my students, I welcome you all on my YouTube channel English by Umesh Guru. This is the second poem which I am going to explain today, and this poem it is of class 11th. The first poem which I explained earlier, that poem was The Voice of Rain. I hope all of you have studied that poem on my YouTube channel. Now this is the second poem of your syllabus. This is the poem taken from your book Hornbill. Hornbill, that is prescribed for the for class 11th in BSER Ajmer. So this is the second poem, Childhood. It is composed by Marcus Natten. Marcus Natten, he is a Norwegian poet. He belongs to Norway, and he recalls, he memorizes this stage of his life, childhood. This stage, it comes in the life of all, and he is in a sorrowful mood. He is not in good mood when he thinks about this stage, childhood, because this stage, it was liked, it was loved by our poet. But now, whenever he thinks about this stage, he feels gloomy in himself. He becomes sadful whenever he thinks about this stage, because childhood is the golden period of a man's life. जो बचपन है मनुष्य की सभी अवस्थाओं में स्वर्णिम काल है, गोल्डन एज कहा जाता है चाइल्डहुड को, और वो चाइल्डहुड मार्कस नैटन ने कंप्लीट कर लिया है, तो वो उस चाइल्डहुड को सोचते हुए थोड़ा सा दुखी है कि वो बचपन कब कब में निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आज हम इस पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं मार्कस नैटन की चाइल्डहुड। इससे पहले मैं आपकी वॉइस ऑफ रेन कंप्लीट कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको पॉइंट मिल जाएगी। कक्षा 10 और 12 का पूरा सिलेबस, अंग्रेजी का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। वो कक्षा 10 और 12 के लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट ओपन करनी है, तो सारी वीडियोस आपको वहां मिलने वाली हैं। चलिए लेट्स बिगिन विद दिस पॉइंट, मार्कस नैटन की चाइल्डहुड स्टार्ट करते हैं। बचपन, बचपन जिसको कि गोल्डन एज कहा जाता है मनुष्य की, तो स्टार्ट करते हैं। When did my childhood go? Question mark, interrogative. कि कब मेरा बचपन, go means खत्म होना, मेरा बचपन कब चला गया था? Marcus Natten विचार कर रहे हैं। This point is little bit personal और हर किसी के जीवन से ही related है ये, क्योंकि childhood जो stage है वो universal है, हर व्यक्ति के जीवन में ये अवस्था जरूर आती है। तो मार्कस नैटन कह रहा है, सोच रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्ड एज। वो उस समय को सोच रहा है जब उसका बचपन उससे जुदा हो गया था, जब उसका बचपन समाप्त हो गया था। वो उस समय के बारे में सोच रहा है कि वो कौन सा समय था, व्हेन, कि वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा समय था जब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया था, जब मैंने बचपन की अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। तो जो दूसरी अवस्था में प्रवेश किया, बचपन खत्म हुआ, तो वो कौन सा समय था? Was it the day? क्या ये वो दिन था? The day किसके लिए आ रहा है? उस समय के लिए आ रहा है जिस दिन उसका बचपन खोया। खुद ही बात कर रहा है, वो अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे रहा है कि वॉज इट द डे, क्या ये वो दिन था, आई सीज्ड, सीज मीन्स स्टॉप, रुकना, व्हेन आई सीज टू बी 11, जब मेरी 11वीं वर्ष रुक गई थी, जब मेरी 11वीं वर्ष खत्म हो गई थी, सीज्ड मीन्स एंड, जब मेरा 11वां वर्ष खत्म हो गया था और मैंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया, क्या ये वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन मुझसे खत्म हो गया। तो यू कैन सी
Marcus Natton, he is asking a question with himself in the very first line of the poem. And what does he ask? He says, when did I lose my childhood? Then he answers himself, was that the day when I completed 11th year of my life and I entered into the 12th year of my life? Was it that day? क्या वो जब मेरा बचपन खोया था, क्या वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का पूरा हो गया था और 12वीं वर्ष में मैंने प्रवेश कर लिया, क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया था? Was it the time? क्या मेरा बचपन खोया था तो वो समय था क्या? फिर से अपने आप से बात कर रहा है कि क्या ये वो समय था जब मेरा बचपन मुझसे खो गया था? I realized means feel. जब मैंने महसूस किया, क्या उस दिन मैंने अपना बचपन खोया जब मैंने महसूस किया that hell and heaven, hell means नर्क और heaven means स्वर्ग, क्या ये वो समय था जब मैंने अपना बचपन खोया, जब मैंने महसूस किया, जब मैंने जाना, रियलाइज मींस जानना, महसूस करना, क्या मैंने जब जान लिया था हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क के बारे में जब मैंने जान लिया, कुड नॉट बी फाउंड, कि स्वर्ग और नर्क नहीं मिल सकते इन ज्योग्राफी, भूगोल कहती है कि ये देश वहां है, ये महाद्वीप वहां पे है, ये महासागर वहां पे है, ये नदी वहां से निकलती है, लेकिन भूगोल इसको नहीं बता सकती कि स्वर्ग कहां है, स्वर्ग कहां पे है और नर्क कहां है। तो कह रहा है क्या जिस दिन मुझे ये पता लगा कि भूगोल नहीं बता सकती नर्क और स्वर्ग कहां पे है, क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था? एंड देयरफॉर, और इस कारण जब भूगोल नहीं बता सकती स्वर्ग और नर्क के बारे में, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इसलिए ये हो ही नहीं सकते, कुड नॉट बी यहां पे किसके लिए आ रहा है? हेल एंड हेवन के लिए, कि जब भूगोल उनको नहीं बता सकती कि स्वर्ग कहां है नर्क कहां है, तो कुड नॉट बी, ये एग्जिस्ट हो ही नहीं सकते। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में होना, कि जब भूगोल इनको नहीं बता पाती है कि स्वर्ग कहां पे है नर्क कहां पे है, एंड देयरफॉर इस कारण कुड नॉट बी, ये अस्तित्व में हो ही नहीं सकते, फिर स्वर्ग और नर्क हो ही नहीं सकते। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया, जब मुझे पता लगा कि स्वर्ग और नर्क है ही नहीं, क्योंकि भूगोल में इनकी कहीं पे चर्चा ही नहीं है। भूगोल जैसे दूसरी क्षेत्र के बारे में बता देती है, हर जगह के बारे में, विश्व के बारे में बता देती है, तो लेकिन भूगोल जब स्वर्ग और नर्क के बारे में नहीं बताती तो क्या फिर इनका अस्तित्व है ही नहीं? जब मैंने सोचा कि अस्तित्व नहीं है तो क्या वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मुझे पता लग गया कि अब मेरा बचपन खत्म हो गया है? कभी कहना चाहता है कि जब मैं बचपन में था, जब मैं सैश्व चाइल्डहुड एज में था, तो मेरे माता पिता बताते थे कि गॉड लिव्स देयर इन द स्काई, कि आसमान में भगवान रहते हैं, और मैं उन बातों को मानता था, आई एक्सेप्टेड दैट, मैंने उन बातों को स्वीकार किया कि गॉड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि संसार में भगवान अस्तित्व में है, और भगवान कहां पे रहता है? हेवन में, स्वर्ग में रहता है। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ और जब मैंने भूगोल पढ़ी तो मैंने देखा स्वर्ग की चीज, स्वर्ग जैसी जगह तो कहीं है ही नहीं, स्वर्ग तो कहीं पे है ही नहीं, तो क्या जब ये मेरे दिमाग में आया स्वर्ग कहीं पे नहीं है, तो क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया? तो यू कैन सी इन द फर्स्ट फोर लाइन्स पोएट ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स टू नो द एग्जैक्ट टाइम when he lost his child age. In the childhood age, he believed in God, he believed in hell and heaven, but later on, when he started to think, when our poet studied geography, poet knew that hell and heaven, they do not exist here in the world. He asks, was that the day when I lost childhood, when I knew that hell and heaven, they are not here in the world, was that the day when I lost my childhood?
And he answered one more also. He said that when I finished the 11th year of my life and when I entered into the 12th year, was that the day when I lost my childhood? क्या जब मैंने 11 वर्ष पूरे कर लिए और 12वीं में प्रवेश किया, क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था? या फिर जब मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में जाना कि वो भूगोल के अनुसार कहीं है ही नहीं, तो मुझे पता लग गया कि उनका एग्जिस्ट, उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया? तो पॉइंट यहां पे कहना चाहता है कि जिस दिन मैं तर्क करने लग गया, जिस दिन मैं अपने विवेक को काम में लेने लग गया, when I started to use my own mind, was that the day when I lost my childhood? क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था जिस दिन मैंने अपने दिमाग को काम में लेना शुरू किया? क्योंकि हम जानते हैं hell और heaven सिर्फ कल्पनाओं में है, वास्तविकता में नहीं है। और जब तर्क करने लग जाता है दिमाग, तो कह रहा है कि क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया। अगला स्टैंजा देखते हैं हम, ये रहा अगला स्टैंजा, एक स्टैंजा ये फिनिश हो गया है हमारा। अगले स्टैंजा में देखते हैं क्या प्रश्न निकालता है वो। When did my childhood go? मेरा बचपन कब मुझसे जुदा हो गया था? मेरा बचपन कब मुझे छोड़कर चला गया था? Was it the time? क्या उस समय चला गया? कौन से समय? I realized, जब मैं जान गया था। Realize means जानना, महसूस करना। जब मैं ये जान गया था that adults were not all they seem to be, कि जो adults होते हैं, adults व्यस्क, जो व्यस्क व्यक्ति होते हैं, nearly 35, 30 to 50, 30 से 50 साल के व्यक्ति होते हैं, जो बिल्कुल उनको कहा जाता है adults। क्या उस समय मेरा बचपन खो गया था? आई रियलाइज, जब मैंने महसूस किया दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि व्यस्त व्यक्ति वैसे नहीं होते हैं जैसे वे होना प्रतीत होते हैं। सीम मींस दिखना, प्रतीत होना। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था जब मैंने ये जाना कि व्यस्त व्यक्ति वैसे नहीं होते जैसा वो दिखावा करते हैं, जैसा वो प्रतीत होते हैं, वैसे व्यस्त व्यक्ति नहीं होते? क्या उस समय जब मैंने ये सोचा, उस समय क्या मेरा बचपन खत्म हो गया था? अब देखिए, दे यहां पे किसके लिए आ रहा है? एडल्ट्स के लिए। दे किसके लिए आ रहा है? एडल्ट्स। दे टॉक्ड ऑफ लव, लेखक कह रहा है, कभी हमारा कह रहा है कि दे टॉक्ड ऑफ लव, कि जो ये व्यस्त व्यक्ति हैं प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। एंड प्रीच्ड, प्रीच्ड मीन्स उपदेश देना, पाठ पढ़ाना। ये प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, प्रीच्ड ऑफ लव, और हमेशा उपदेश देते हैं। किसका? प्रेम का उपदेश देते हैं, स्नेह का उपदेश देते हैं हमेशा, कि भाईचारा रखो, प्रेम रखो, आपस में मेल मिलाप से रहो। इस बात का ये एडल्ट्स, व्यस्त व्यक्ति हमेशा बात करते हैं भाईचारे की, प्रेम की, और उपदेश देते हैं हमेशा प्रेम का। बट लेकिन डिड नॉट एक्ट, लेकिन काम नहीं करते सो लविंगली, उस भाईचारे से स्वयं काम नहीं करते, उस मेल मिलाप से वो खुद काम नहीं करते। वॉज दैट द डे, क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया जब मैंने ये जाना कि एडल्ट्स जैसा दिखने की कोशिश करते हैं वैसा होते नहीं है। एडल्ट्स लोग, जो व्यस्त व्यक्ति हैं, वो प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते हैं, लेकिन एक्ट, कार्य प्रेम और भाईचारे का जैसा नहीं करते, मित्रता का कार्य नहीं करते, लविंगली मींस उस भाईचारे से, स्नेह से काम नहीं करते। जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, तो क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था? तो यहां पे देखिए, पॉइंट कहना चाहता है कि जो व्यस्त व्यक्ति हैं, दे से समथिंग, कुछ कहते हैं, एंड दे डू अदर थिंग्स, दूसरा काम करते हैं। मींस टू से दे डू नॉट एक्ट व्हाट इज सेड बाय देम, जो उनके द्वारा कहा जाता है वैसा काम एडल्ट्स नहीं करते। मींस टू से प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली दे से अबाउट लव, दे से अबाउट अफेक्शन, दे से अबाउट ऑनर और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर, बट प्रैक्टिकली दे देमसेल्व्स डू नॉट फॉलो ऑल दीज आइडियोलॉजी, कि वो प्रेम की, स्नेह की,
आपस में भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन उसके अनुसार वो सैद्धांतिक रूप से तो बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में वो इन चीजों को नहीं लाते हैं। तो जब मुझे इस बात का पता लगा कि जो वयस्क व्यक्ति हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जब मुझे इस बात का पता लगा तो क्या उस दिन मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया। तो यहां पे भी वही बात निकल के आ रही है कि जिस दिन मेरा दिमाग तर्क करने लगा, जब मेरा दिमाग मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लगा कि ये वयस्क व्यक्ति कहते तो कुछ हैं और खुद उस काम को फॉलो नहीं करते हैं, तो जिस दिन मेरा दिमाग तर्क करने लगा क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था। अगला स्टैंजा हम देखते हैं, When did my childhood go? कब मेरा बचपन खत्म हो गया था? Was it? क्या ये तब हुआ था? When I found my mind was really mine? जब मुझे पता लगा, लेखक खुद ही कह रहा है, जब मुझे पता लगा कि मेरा मस्तिष्क मेरा है। इससे पहले बचपन में तो क्या हो रहा था कि मेरा मस्तिष्क मेरा नहीं था, दूसरे लोग, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन जो मुझसे कहते थे मैं उनकी बातों को मानता था और उसके हिसाब से रहता था। लेकिन जब मुझे इस बात का पता लगा कि मेरा मस्तिष्क वास्तव में रियली मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है, क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था? टू यूज कि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं मेरे मस्तिष्क का, विच एवर वे आई चूज, कि जैसा मैं पसंद करूं, जैसा मैं चाहूं, उस दिशा में मैं सोच सकता हूं, उस हिसाब से मैं अपने काम को कर सकता हूं। तो जब मुझे लगा कि मैं अपने अपने बारे में मैं खुद सोचूंगा, हर चीज के बारे में मैं खुद सोचूंगा, अब दूसरे की ओपिनियन के अनुसार मैं काम नहीं करूंगा, तो क्या उस दिन मुझे पता लगा कि मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया है? तो यहां पे थोड़ा सा सेंस ऑफ ईगो, सेंस ऑफ ईगो, घमंड की भावना, जब घमंड की अहंकार, ईगो मीन्स अहंकार, कि जब अहंकार आ गया कि मेरा मस्तिष्क तो मेरा है, मैं मेरे हिसाब से सोचूंगा, मेरे हिसाब से चलूंगा, तो लेखक कह रहा है कि क्या जब मेरे अंदर अहंकार आ गया, ईगो आ गया, सेंस ऑफ ईगो आ गया, क्या उस दिन मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया था? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि मेरा मस्तिष्क प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, कि मेरा मस्तिष्क मेरे खुद के विचारों को उत्पन्न करेगा, नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और मेरे जो विचार होंगे दूसरे लोगों के जैसे नहीं होंगे, अदर पीपल, कि जो कॉमन पीपल है, सामान्य व्यक्ति जैसा सोचते हैं, वो कह रहा है कि मैं, मेरा मस्तिष्क खुद अपने विचारों को सोचेगा अपने बारे में, मेरा मस्तिष्क मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं सोचूंगा। तो यहां पे सेंस ऑफ ईगो कह रहा है कि मेरा मस्तिष्क जन्म देगा विचारों को, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर, और वो जो विचार होंगे, थॉट्स होंगे, नॉट दोज ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के जैसे नहीं होंगे, जैसे दूसरे लोग हर किसी की बात को मानते रहते हैं और लकीर के फकीर होते रहते हैं, उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। कह रहा है कि मेरा मस्तिष्क मेरे, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा किसी भी विषय पर और अपने तरीके से मैं व्यवहार करूंगा। तो जिस दिन मेरे दिमाग में यह आया कि मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था? बट माई ओन, कि मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, एंड माइंड अलोन, और वो विचार मेरे खुद के होंगे, क्योंकि मेरा माइंड मेरा है, मेरा मस्तिष्क मेरा है, मेरे विचार मेरे खुद के होंगे, दूसरे लोगों के जैसे मेरे विचार नहीं होंगे। वॉज दैट द डे, क्या उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया था? तो यहां पे तीन स्टैंजास हमने क्लियर किए हैं, तीनों स्टैंजास में जो पॉइंट है थोड़ा दुखी है, वो उस बचपन की अवस्था को फिर से पाना चाहता है और वो जानना चाहता है कि वो कौन सा पल था, वो कौन सा समय था जब बचपन उसका चला गया था और वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गया था। तो वो उसको जानना चाहता है, क्या 11 साल खत्म हुए, 12वीं में मैंने प्रवेश किया, 12 वर्ष का हुआ, क्या तब बचपन चला गया? क्या जब स्वर्ग और नर्क जो कल्पना की चीजें हैं, जो मुझे बताई गई थी कि भगवान रहता है, लेकिन जब वास्तव में मैंने भूगोल पढ़ा तो मुझे पता लगा कि स्वर्ग और नर्क तो कहीं है ही नहीं, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? दूसरा उसने कहा कि जो किशोर व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति, व्यस्त व्यक्ति जो करते कुछ है, कहते कुछ है,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर एक्शन एंड देयर स्पीच, उनके कहने और करने में अंतर है. तो वो प्रेम की बात करते हैं, संदेश उपदेश देते हैं प्रेम का, लेकिन उसके जैसे व्यवहार नहीं करते. तो क्या उस दिन जब मैंने सोचा कि व्यस्त व्यक्ति कहते कुछ है करते कुछ है, उस दिन मेरा बचपन चला गया? या उस दिन जिस दिन सेंस ऑफ ईगो आ गया मेरे अंदर, सेंस ऑफ ईगो कब आया कि आई हैव माई ओन माइंड, आई विल यूज दिस माइंड अकॉर्डिंग टू माई ओन वे, नाउ आई विल नॉट फॉलो अदर्स ओपिनियन और अदर्स आइडियोलॉजी, कि अब मैं दूसरों की विचारधाराओं को, दूसरों के राय को अब मैं उनका अनुसरण नहीं करूंगा. क्यों करूं मैं? नाउ आई हैव माई ओन माइंड, अब मेरा खुद का मेरा मस्तिष्क है, अब मैं खुद सोच सकता हूं. तो जब सेंस ऑफ ईगो आ गया मेरे अंदर, अहम आ गया कि मेरा मस्तिष्क मेरा है, माई ओन, मेरा स्वयं का है और मेरा इस पर अधिकार है, मैं चाहूंगा वैसा सोचूंगा. और कैसा सोचूंगा? डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से अलग सोचूंगा. तो जब ये विचार मेरे अंदर आए, क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया था? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया था? It went to some forgotten place. और देखिए, childhood, childhood go, बचपन जाता है क्या? लेकिन बचपन के जाने की बात कर रहा है, तो यहां पे personification यूज किया है पहली लाइन से. Personification, मानवीकरण. Personification माने क्या होता है? मानवीकरण. और मानवीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु को, किसी निर्जीव चीज को मनुष्य का रूप दे देना. अब यहां पे चाइल्डहुड गो, बचपन का जाना, आदमी जा सकता है चल करके, तो जैसे आदमी जाता है ऐसे कह रहा बचपन चला गया. तो बचपन जैसे यहां पे मैं एक डेथ कैचेस ऑल, मृत्यु सभी को पकड़ती है, तो मृत्यु पकड़ती थोड़ी, कोई उसके हाथ थोड़े हैं. तो यहां पे मैंने डेथ का क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया मैंने यहां मृत्यु का. मृत्यु को मनुष्य का रूप दे दिया. जैसे मनुष्य पकड़ता है सारी चीजों को, ऐसे डेथ कैचेस ऑल, मृत्यु सभी को पकड़ती है. तो ऐसे यहां पे चाइल्डहुड, शुरू की लाइन से चाइल्डहुड गो, तो बचपन का जाना, बचपन जाता है क्या, कोई उसके पैर है क्या, लेकिन अब यहां पे जा रहा है, तो जा रहा है, तो चाइल्डहुड को क्या यहां पे दे दिया, बचपन को क्या बना दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया बचपन का. तो हाँ, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहां, कब चला गया, कहां चला गया. अब तक तो वो पूछ रहा था कब चला गया, वेन, समय जानना चाह रहा था. इन थ्री स्टैंजास ही वॉन्टेड टू नो द टाइम, when did poet exactly lose his childhood, he wanted to know that moment, वो उस क्षण को जानना चाहता था. तीन स्टैंजास में तो वो समय को जानना चाहता था कि कब चला गया, अब कह रहा है where, कहां चला गया, जगह के बारे में जानना चाहता है. where did my childhood go, मेरा बचपन कहां चला गया. it went, ये चला गया, to some forgotten place, कुछ ऐसे स्थान पे जो फॉरगॉटन है, विस्मृत है, जो मेरी स्मृति में नहीं है. कि कुछ ऐसे स्थान पे चला गया ये जो मेरी स्मृति में नहीं है, किसी छुपे हुए स्थान पे चला गया, विस्मृत हो गया, मेरी मेरी स्मृति में तो है नहीं कि कहां चला गया ये बचपन. दैट इज हिडन, और ये बचपन, ये स्थान छुपा हुआ है. दैट इज हिडन, हिडन मीन्स छुपा हुआ होना, छिपा होना, ये स्थान छिपा हुआ है. दैट इज हिडन, और कहां पे? इन एन इन्फेंट्स फेस, कि तुम्हें ये बचपन यदि देखना है, बचपन की जगह देखनी है, तो तुम्हें इन्फेंट से मुलाकात करनी पड़ेगी, शिशु से मुलाकात करनी पड़ेगी, जिसकी उम्र 1 से 15 साल तक की होती है, जिसकी उम्र 1 से 12 साल की होती है, जिसकी उम्र 1 से 10 साल की होती है. तो कह रहा है कि अगर तुम्हें जगह देखनी है कि कौन सी जगह मिलेगा बचपन, कौन सी जगह मिलेगा ये भोलापन, तो भोलापन कहां पे मिलेगा? इन्फेंट्स फेस, शिशु के चेहरे पर. 5 साल तक के बच्चे के चेहरे पर भोलापन मिलेगा, 10 साल के चेहरे के, 10 साल के बच्चे के चेहरे पर भी आपको भोलापन मिलेगा. तो कहां पे मिलेगा आपको ये चाइल्डहुड स्टेज? इन्फेंट्स फेस, शिशु के चेहरे पर मिलेगा आपको ये बचपन. दैट इज ऑल आई नो, अब मुझे इस बात का पता लग गया कि मेरा जो बचपन है कहां चला गया, शिशु के चेहरे पर चला गया. बचपन को अगर देखना है आपको, भोलेपन, बचपन से मतलब भोलेपन से है, और भोलेपन से मतलब इनोसेंस,
यदि आपको इनोसेंस देखनी है, भोलापन देखना है, तो यू कैन सी द फेस ऑफ एन इन्फेंट, तुम एक शिशु का चेहरा देख सकते हो. तो इन द फर्स्ट थ्री स्टैंजास ही वॉन्टेड टू नो द टाइम व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड. इन द लास्ट स्टैंजा ही asked a question, where did this childhood go? He has given an answer that this childhood has gone. You can see the childhood on the face of an infant. वहां पे आपको पता भी लग जाएगा क्योंकि इन्फेंट के चेहरे पर भोलापन मिलेगा. और जहां भोलापन होगा, जहां व्यक्ति अपना दिमाग यूज नहीं करेगा, वहां पे वो बचपन की अवस्था मिलेगी. तो हम इस कविता के माध्यम से हमको पता लगा हर किसी की लाइफ में होकर के ये स्टेज आती है चाइल्डहुड एज की, बचपन कब खत्म हो गया, जो गोल्डन पीरियड था हमारी लाइफ का कब खत्म हो गया, कहां चला गया, ऐसा सारा क्वेश्चन हमारे पॉइंट मार्कस नैटन ने किया है. तो ये हमारे सिलेबस की हॉर्नबिल की सेकंड पॉइंट हो गई है चाइल्डहुड. पहली पॉइंट द वॉइस ऑफ रेन वो आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिलेगी, और ये चाइल्डहुड आपकी दूसरी पॉइंट हो गई. नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कक्षा 10 और 12 के बच्चों को बताना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और पूरा सिलेबस अंग्रेजी का आपको वहां पे मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.